नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है वयस्क मताधिकार के गुण एवं दोष। वयस्क मताधिकार के गुण एवं दोषों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आजकल संसार के सभी लोकतांत्रिक देशों में वयस्क मताधिकार की प्रथा प्रचलित है। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत जो प्रमुख गुण पाए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, वयस्क मताधिकार का गुण लोकतंत्र का आधार। लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है, इसलिए सार्वजनिक निर्वाचनों का मत देने का अधिकार राज्य के सब वयस्क नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार से इस आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस संबंध में प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि जनता की सत्ता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति वयस्क मताधिकार प्रदान करने पर ही हो सकती है। वयस्क मताधिकार का दूसरा जो गुण है, राष्ट्रीय एकता की वृद्धि। सभी वयस्कों को मताधिकार मिलने से देश में एकता की भावना बनी रहती है। इससे समाज के सभी वर्ग संतुष्ट रहते हैं और उनमें विद्रोह तथा विघटन की भावना नहीं पनपती। इससे सार्वजनिक विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न करके राष्ट्र की शक्ति एवं एकता में वृद्धि की जा सकती है। सभी लोग राष्ट्र के प्रति पूर्ण भक्ति एवं निष्ठा रखते हैं। वयस्क मताधिकार के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है, व्यक्ति के स्वाभिमान के अनुकूल। मताधिकार से मतदाताओं का स्वाभिमान बढ़ता है। वे यह अनुभव करते हैं कि देश के शासन में उनका भी हाथ है, देश की सरकार उन्हीं के मत से बनी है। निर्वाचनों के समय बड़े बड़े लोग उनके पास मत मांगने के लिए पहुंचते हैं तो वे अपना महत्व समझते हैं। साथ ही उनकी सहभागिता राष्ट्र के कार्यों में बढ़ती है, उन्हें राष्ट्र पर गर्व होता है। इस प्रकार वयस्क मताधिकार नागरिकों में स्वाभिमान की भावना विकसित करता है। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत जो अगला गुण है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। वयस्क मताधिकार में अल्पसंख्यकों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त रहता है। मताधिकार से उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। विधानमंडलों में उन्हें अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अवसर प्राप्त होता है। इससे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है। वयस्क मताधिकार के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है, राजनीतिक जागृति के साधन। चुनाव से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल मतदाताओं के सम्मुख विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम उपस्थित करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं। साथ ही नागरिक की राजनीतिक उदासीनता समाप्त होती है। वह मतदाता या मतदान जैसे पवित्र कार्य के संपादन से यह अनुभव करने लगता है कि राज्य के शासन में उसका भी हाथ है। वयस्क मताधिकार के गुणों के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, देशभक्ति की भावना में वृद्धि। वयस्क मताधिकार से नागरिकों में देश और सरकार के प्रति अपनत्व की भावना पैदा होती है। इससे उनमें देश प्रेम की भावना विकसित एवं दृढ़ होती है। वयस्क मताधिकार के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है, शासन कार्यों में रुचि। मताधिकार प्राप्त होने से नागरिक शासन कार्यों में रुचि तथा भाग लेते हैं, जिससे राष्ट्र शक्तिशाली बनता है और नागरिकों में स्वदेश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। अगला जो गुण है, सबके हितों की रक्षा। वयस्क मताधिकार द्वारा समाज के सभी वयस्क पुरुषों तथा स्त्रियों को शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। अतः इस सिद्धांत के द्वारा सभी वर्गों के हितों की रक्षा होती है। यह लोकसत्ता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। इस संबंध में प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि
ऐसी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मताधिकार में ही हो सकती है। अगला जो मताधिकार का गुण है, विकास के समान अवसर। वयस्क मताधिकार का सिद्धांत नागरिकों को अधिकार प्रदान कर विकास के समान अवसर उपलब्ध कराता है। जैसा कि इस संबंध में मिल ने कहा है कि प्रजातंत्र मनुष्य की समानता को स्वीकार करता है और राजनीतिक समानता तभी हो सकती है जब सभी नागरिकों को मताधिकार दे दिया जाए। अगला जो गुण है, निरंकुशता पर रोक। वयस्क मताधिकार शासन की निरंकुशता को रोकने के लिए अवरोध का काम करता है। मतदाता निरंकुश शासन को चुनाव में आसानी से बदल देते हैं, अतः सरकार मनमानी करने से डरती है। वयस्क मताधिकार के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है, नागरिक अधिकारों की रक्षा। वयस्क मताधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को दो प्रकार के अधिकारों, सामाजिक तथा राजनीतिक की प्राप्ति सुलभ होती है। इन सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा वह अपने वयस्क मताधिकार द्वारा करता है। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने लिखा है कि वास्तव में वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। वयस्क मताधिकार के गुणों के अध्ययन के पश्चात हम जो वयस्क मताधिकार के अंदर कुछ दोष पाए जाते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। वयस्क मताधिकार में निम्नलिखित दोषों की पुष्टि होना पाई गई है। उसके अंतर्गत जो पहला दोष है, मूर्खों के हाथ में शक्ति। इस शीर्षक के अंतर्गत भारत के अधिकांश मतदाता मूर्ख व अशिक्षित हैं। वे उम्मीदवार की योग्यता की परख ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, इस कारण वे अपने मत का सदुपयोग करने में असमर्थ रहते हैं। गलत व्यक्तियों के चुने जाने से शासन व्यवस्था दूषित हो जाती है। सर हेनरी मैन का विचार है कि अशिक्षित यह नहीं जान पाता कि कौन सा उम्मीदवार योग्य है और कौन सा अयोग्य, अतः सभी को मताधिकार दिए जाने से परिणाम अच्छा नहीं होता। इस संबंध में प्रोफेसर लावेल ने कहा है कि अज्ञानियों को मताधिकार दो, आज भी उनमें अराजकता फैल जाएगी और कल भी उन पर निरंकुश शासन होने लगेगा। इस प्रकार मूर्खों के हाथ में सत्ता जाने का भय बना रहता है। वयस्क मताधिकार का जो दूसरा दोष है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। मतदाताओं की अधिकांश संख्या निर्धन होती है, धनी लोग उनके मतों को पैसा देकर खरीद लेते हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। वयस्क मताधिकार के दोषों के अंतर्गत जो अगला दोष है, वयस्क मताधिकार दोषपूर्ण। इसमें कहा गया है कि वर्तमान काल में शासन संबंधी प्रश्न अधिकाधिक जटिल होते जा रहे हैं। साधारण मतदाता में इतनी योग्यता नहीं होती कि वह उन्हें आसानी से समझ सके, इसलिए मत देने का अधिकार भी सब नागरिकों को नहीं देना चाहिए। वयस्क मताधिकार के दोषों के अंतर्गत जो अगला दोष है, मतदान एक पवित्र कर्तव्य। मताधिकार एक पवित्र कर्तव्य की भांति है, इसका प्रयोग बड़ी सावधानी तथा बुद्धिमत्ता के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए मत देने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो एक पावन कर्तव्य समझकर इसका प्रयोग सामाजिक हित में करें। अगला जो दोष है वयस्क मताधिकार का, अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य नहीं। यह धारणा गलत है कि वयस्क मताधिकार के बिना अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। वास्तव में निष्पक्ष न्यायालय, स्वतंत्र प्रेस एवं शक्तिशाली विरोधी दल इनकी रक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली साधन हैं। वयस्क मताधिकार का जो अगला दोष है, धनी वर्ग के हित असुरक्षित। वयस्क मताधिकार की दशा में बहुसंख्यक निर्धन तथा मजदूर जनता प्रतिशोध की भावना से ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जिनसे धनिकों व पूंजीपतियों के हितों को हानि पहुंचने की संभावना रहती है। पिछले वर्षों में भारत में पश्चिम बंगाल राज्य इसका उदाहरण रहा है। अगला जो दोष है,
वयस्क मताधिकार का मतों का क्रय विक्रय। अधिकांश जनता चूंकि निर्धन तथा अशिक्षित होती है, अतः वयस्क मताधिकार की स्थिति में उसकी निर्धनता तथा अज्ञानता का लाभ उठाकर अनेक प्रत्याशी उनके वोटों को धन व सुविधाओं का लालच देकर खरीद लेते हैं। वयस्क मताधिकार का यह बहुत बड़ा दोष है। अगले दोष के अंतर्गत जो वयस्क मताधिकार के अंतर्गत पाया जाता है, पारिवारिक अशांति। यह सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मताधिकार दिया जाता है तो स्त्रियों द्वारा राजनीति में रुचि लेने पर घरेलू कार्यों में विघ्न पड़ेगा तथा अनेक घरेलू शांति प्रभावित होगी। दंपत्ति में राजनीतिक मतभेद होने पर पारिवारिक जीवन भी कटु हो सकता है। अगला जो दोष है, रूढ़िवादिता। सामान्य जनता में रूढ़िवादी व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। ये लोग सुधारों तथा प्रगतिशील विचारों का विरोध करते हैं, अतः यदि वयस्क मताधिकार दिया गया तो शासन में रूढ़िवादी तथा प्रगतिशील विचारों के विरोधी लोगों का जमघट हो जाएगा। इसलिए हेनरी मैन ने कहा है कि वयस्क मताधिकार संपूर्ण प्रगति को समाप्त कर देगा। इसी संबंध में प्रोफेसर मिल ने लिखा है कि यह बात पूर्ण रूप से अस्वीकृत है कि कोई व्यक्ति जो अशिक्षित हो मताधिकार का प्रयोग करे। वह आगे कहते हैं कि सार्वलौकिक मताधिकार से पहले सार्वलौकिक शिक्षा का आगमन होना चाहिए। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, वयस्क मताधिकार के गुण एवं दोषों का विस्तृत अध्ययन। धन्यवाद।